परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि क्या करता है। जैन साहब आपकी अनदेखी हो रही है, आप अपने वार्ड में भी काम नहीं करवा पा रहे हैं, कुछ नेताओं के द्वारा काम रोक दिए जाते हैं। अब लोकसभा इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद तो एकदम से ऐसे इग्नोर कर दिया, संगठन के द्वारा बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया, कोई बात नहीं सुनी गई। मैं जनता को क्या जवाब दूँ? लगातार यहाँ पे कोई भी लीडर आता बीजेपी का, हमें कोई सूचना नहीं होती थी, कोई किसी तरह का प्रोग्राम हमें नहीं पता होता था। नहीं, टिकट की कोई बात नहीं हुई है, उनसे बात हुई है मान सम्मान की, जो उन्होंने मान सम्मान पूरा दिया और भविष्य में उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि पूरा मान सम्मान मिले। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को व्हाट्सएप पे भेज दिया उन्होंने, उन्होंने कहा भी कि चलो जैसी आपकी इच्छा, और मुझे शुभकामनाएं भी दी है जिलाध्यक्ष जी ने। तो विजय जैन हमारे साथ हैं, बीजेपी छोड़ आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, और कई दिनों से जो फोटो वायरल हो रही थी उससे लगाया जा सकता था अंदाजा कि कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन मना कर रहे थे आप, दावा कर रहे थे कि बीजेपी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ गई। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि क्या करता मैं। मैंने अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ बैठक की और उनको सारी स्थिति के बारे में अवगत कराया। सब ने बैठ कर के निर्णय लिया, जैन साहब आपकी अनदेखी हो रही है, आप अपने वार्ड में भी काम नहीं करवा पा रहे हैं, कुछ नेताओं के द्वारा काम रोक दिए जाते हैं। देखिए, जिस जनता ने हमें सर माथे पर बिठाया, जिता करके भेजा, और हमने जिस तरह से 5 साल भारतीय जनता पार्टी में रह के सेवा की, पार्टी की भी सेवा की और सम्मानित जनों की भी सेवा की, पानीपत वासियों की, लेकिन कोई भी काम आप देख रहे हैं, किसी भी गली में जाए मेरे वार्ड में, दो दो तीन तीन साल से गलियां पटी है, ऑर्डर हो चुके सड़क बनाने के लिए, वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं, जब भी वो सड़क रुकवा दी जाती है, लड़ झगड़ के धरने पे बैठ के मैं सड़क शुरू करवाता हूँ। वो सड़क इतनी धीमी गति से बनवाई जाती है कि एक सड़क को बनाने में 1.5 महीना लगता है, जो कि वो सड़क 3 दिन में बन जा सकती है। फिर भी अब लोकसभा इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद तो एकदम से ऐसे इग्नोर कर दिया। मैंने अपने संगठन में बात भी की कि जिस जनता ने हमें चुन के भेजा है उनके काम की थोड़ा स्पीड कराए, लेकिन संगठन के द्वारा बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया, कोई बात नहीं सुनी गई। मैं जनता को क्या जवाब दूं? मैं जाके उनसे प्रार्थना करता कि आप कमिश्नर साहब के, मैं कई दफ़ा कमिश्नर साहब के पास भी अपने वार्ड वासियों को लेके गया, लेकिन एक ही बात कहते थे, जैन साहब आप समझते हैं कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर है, जब काम ही नहीं होंगे, जनता ने जिसने चुन के भेजा तो मैं क्या करूँ। हमारे सभी साथियों का निर्णय था कि जैन साहब आप कांग्रेस ज्वाइन करें और आगे कांग्रेस में ही विकास कार्य संभव है, तो मैंने अपनी सम्मानित जनता का, सम्मानित कार्यकर्ताओं का जो आदेश था, निर्णय था, उनको सिरोधार्य करते हुए आज कांग्रेस पार्टी। अब आप बीजेपी पार्टी में नहीं, अब तो आप नाम खोल ही सकते हैं, अभी कौन सा नेता ऐसा था? देखिए, मैं मेरे गुरुओं ने, मेरे माँ बाप ने मेरे को सिखाया कि किसी की बुराई मत करो, लेकिन मैं उन नेताओं को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि उस सम्मानित जनता ने भी आपको वोट दे करके MLA बनाया, आपको जिताया है, कृपया करके इस तरह की छोटी मानसिकता को छोड़ करके पब्लिक के काम कराएं। आप ग्रामीण हलके के नेता की बात कर रहे हैं, ग्रामीण हलके के जो MLA हैं उनकी बात कर रहे हैं। देखिए, आप सब जानते हैं, मेरे नाम लेने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से मुझे पार्टी के अंगेंस्ट जाकर धरना दे करके काम करवाना पड़ा, मेरे लिए मतलब पार्टी के लिए भी शर्म की बात है, मेरे लिए भी शर्म की बात थी, लेकिन उच्च सत्र के नेताओं को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था, जो नहीं लिया गया। हमारे जो यहाँ के जिले के कार्यकर्ता उनको भी संज्ञान लेना चाहिए था, उन्होंने भी लिया, बार बार आग्रह करने के बाद भी बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया कि कोई काम जैन साहब के, कोई वार्ड के काम है, जब सभी वार्डों में काम चले हुए तो इनके क्यों नहीं चल रहे, बार बार कहने के बावजूद भी जब कोई संज्ञान नहीं लिया तो मुझे ये कदम उठाना पड़ा। आपका कहना यह है कि जिला अध्यक्ष तक आपने ये बात पहुंचाई होगी? बिल्कुल, वो भी कुछ दबाव में थे, बड़े नेता के दबाव में, तभी वो बात जो है क्लियर कर नहीं पाए। देखिए, मैंने एक बार ही 100 बार सब नेताओं के साथ बात पहुंचाई मैंने, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हो गई, क्या करें, किसके पास जाए हम काम करवाने के लिए। जिस जनता ने मुझे सर आंखों पर बैठाया, मेरा भी तो फर्ज बनता है उनका काम कराऊं, जब काम नहीं होंगे तो क्या होगा। लगातार यहाँ पे कोई भी लीडर आता बीजेपी का, हमें कोई सूचना नहीं होती थी, कोई किसी तरह का प्रोग्राम हमें नहीं पता होता था, बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था। तो सम्मानित मेरे सारे कार्यकर्ताओं ने एक ही निर्णय लिया, जैन साहब आप कांग्रेस में जाइए, मैंने उनकी आज्ञा माननी है, मेरी रीढ़ की हड्डी है मेरे कार्यकर्ता, मेरी जनता, ये मेरी रीढ़ की हड्डी है, मैंने इनकी बात को मानते हुए आज कांग्रेस पार्टी। लोकसभा चुनाव में आपने पूरी मेहनत की, जिस दफ्तर में हम लोग खड़े हैं यहीं पर ही मनोहर लाल का कार्यक्रम करवाएगा आपने, अच्छी भीड़ जुटाई मात्र 2 घंटे में, वहाँ तक आपकी बात पहुँची, क्यों वहाँ भी इग्नोर कर दिया आपको? देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में, जिस तरह से मैंने पार्टी की सेवा की है और जनता की सेवा की है, सब आप भी जानते हैं और सब पानीपत की जनता जानती है, लेकिन
चलो मेरा दाना पानी उस पार्टी में इतना ही था, आज से मैं कांग्रेस पार्टी के परिवार का सदस्य बन गया हूँ। अब मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूँगा, जो भी पार्टी का आदेश होगा सर माथे होगा। पहले शहरी विधानसभा से एक नेता छोड़ के जाता है, जो उम्मीदवार थी वो इस बार नहीं जताई, उन्होंने उम्मीदवार नहीं जताई, कांग्रेस में चलेगी, रोहिता रेवड़ी की बात कर रहा हूँ। इस बार ग्रामीण से बड़े नेता आप जा रहे हैं, छोड़कर आपने छोड़ ही दिया है, तो आपको लगता है बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा? देखिए फिर मैं वही बात कहूँगा, कहीं ना कहीं जब कार्यकर्ता की अनदेखी होगी तो क्या करेगा। हमारी पूर्व में विधायिका रही है बहन रोहिता रेवड़ी जी, आदरणीय सुरेंद्र रेवड़ी जी, उन्होंने बहुत टाइम तक इंतजार किया, मेरे से भी चर्चा हुई थी उनकी, जैन साहब पार्टी का कोई भी जिले की तरफ से कोई भी मान सम्मान नहीं दे रहा, क्या करे, वो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला था। लेकिन जब मेरे ऊपर भी थी, मैंने भी देखा कि इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, तो हम इस फैसले को लेने पर मजबूर हुए। आपको लगता है बीजेपी बदल रही है, जो पहले पार्टी 10 साल पहले थी आज वो पार्टी नहीं रहेगी, इसलिए कार्यकर्ताओं की अनदेखी जो हो रही है? नहीं देखिए, कोई भी पार्टी चाहे बीजेपी पार्टी है चाहे कांग्रेस पार्टी है, जब कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिलेगा, एक कार्यकर्ता जो रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन आज जिस तरह से चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनकी एक सोच है कि हरियाणा को कैसे विकास पे लेके आए, जैसे 10 साल पहले विकास की गति पे था, उसी की सोच को लेके हुए हम आगे बढ़े हैं। और मैं तो सबसे प्रार्थना करता हूँ हरियाणा का विकास पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। अच्छा, मुद्दे की बात पे आते हैं, क्या डील हुई पार्टी के साथ, क्योंकि आप दावा कर चुके हैं 110% में चुनाव लड़ूंगा, टिकट की बात आपकी कुछ फाइनल हुई है, इस स्तर पर आप गए हैं? नहीं, टिकट की कोई बात नहीं हुई है, उनसे बात हुई है मान सम्मान की, जो उन्होंने मान सम्मान पूरा दिया, और भविष्य में ही उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि पूरा मान सम्मान मिलेगा। लेकिन बात वही है कि आप 110% जो है चुनाव लड़ेंगे? मेरे गुरु जानते हैं, मेरा भगवान जानता है, मैंने आपको पहले भी बोला है, मेरे साथ मेरे गुरु का आशीर्वाद है, वो ही सब कुछ काम मेरे लिए करेंगे वो। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस में क्या आपको डिफरेंट लगा, क्योंकि कांग्रेस में जब आप जा रहे थे आपने काफ़ी सोचा होगा, 2-4 घंटे आपके कार्यकर्ताओं से बातचीत भी होगी, कांग्रेस पार्टी ही आपने क्यों चुनी, और भी पार्टियां थी, जजपा थी, आप पार्टी थी, इनेलो थी? देखिए ये संगठन की बात है, मैं उनके कामों से प्रभावित हुआ हूँ, जिस तरह से उन्होंने 10 साल पहले काम किए थे। देखिए विपक्ष का काम होता है कि हम विपक्ष में खड़े होकर के अपने हरियाणा की बात उठाए, या किसी भी राज्य की बात है, विपक्ष का काम होता है उसकी विकास के लिए बात उठाए, या कहीं पर कोई किसी तरह की त्रुटि होती है उसको उठाते हैं वो, ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। मैं आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, उनकी नीतियों के देख के प्रभावित हुआ हूँ, और उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया और पूरा आशीर्वाद दिया है, उनका आशीर्वाद सदा मुझ पर बना रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। ये इस्तीफा आपने व्यक्तिगत दिया जाके, क्या मतलब व्हाट्सएप पे भेज दिया? नहीं, मैंने आदरणीय जिला अध्यक्ष जी को व्हाट्सएप पे भेज दिया, उन्होंने कहा भी कि चलो जैसी आपकी इच्छा, और मुझे शुभकामनाएं भी दी है जिला अध्यक्ष जी ने, मैं अपने जिला अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने कल से फ़ोन भी स्विच ऑफ कर रखे थे? देखिए कल कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे फ़ोन बंद भी करना पड़ा कुछ देर के लिए, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, कई दफ़ा जब मैं रात को सोता हूँ तो फ़ोन कर देता हूँ। आप बताएं जी, आप भी बीजेपी से अब कांग्रेस के हो गए हैं? इसमें बहुत खुशी की बात है जी। कुलवंत जी, हम तो बार बार कहते थे कि भाई आपका जो जनाधार बढ़ेगा तो कांग्रेस पार्टी से बढ़ेगा, तो जो काम करवाने हैं आप कांग्रेस से जुड़ो और तो काम करवाओ, बीजेपी आज तक किसी की सुने नहीं, ना सुना है, क्योंकि हम विकास के मुद्दे पर बात करते हैं ना तो उसमें आगे नहीं आते, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम तो ये कहते हैं जी सबका साथ सबका नाश। कुलवंत जी, और इसे अच्छा क्या कह सकते हैं, हमने खुशी है भाई विजय जैन हमारे साथ है। अच्छा, आप कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे, विजय जैन के लिए वोट मांगेंगे फील्ड में जाके? भाई मैं तो उसमें भी मनोहर साहब के भी बहुत वोट मांगे, इसीलिए मांगे हमारे भाई को कुछ सारा मिलेगा, सब खत्म कर दिया काम, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, मेहनत भी हमने उनकी हमारे वजह से जीते हैं, सही पूछो तो जितनी मेहनत हमने करी ना जी, रात दिन एक करा हमने उनकी वोट मांगने में, मजा नहीं आया बात का। अब बताओ इसके ऊपर हम क्या कर सकें, फिर हमारे भाई के चोट लगन लग रही है, हम क्या करेंगे फिर, हमने तो कार्यकर्ता हैं जी, हम तो इनके साथ हैं, चाहे कोई सी भी पार्टी में हो, हम दिल से इनके साथ हैं। क्या कह रहे थे आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे जी? हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि बीजेपी जो पार्टी है, इस पानीपत शहर में दो चेहरे हमारी समझ से थे, एक विजय जैन साहब, एक रोहिता रेवड़ी जी। बीजेपी पार्टी ने ना उन चेहरा को पहचाना ना इनको पहचाना सही तरह, तो अब इनका तो वहाँ कांग्रेस में जाना संभव स्वतः ही हो ही गया है, क्योंकि बीजेपी अब अपने हाथों से अपने ही पैरों में कुड़ाड़ी मार रही है, काम ये है। नहीं, बीजेपी के साथ पहले भी थे
और मन भी था, लेकिन अब ये देख करके हमारा भी मन करने लगा है कि हाँ बीजेपी कुछ नहीं अपना ही नुकसान कर रही है। और ये सब पूरी जनता जानती है कि पानीपत में इन दो चेहरों से अच्छा चेहरा कोई नहीं आया, क्योंकि 15 साल से हम भी रह रहे हैं, हमारी भी वोटिंग यहाँ है, और हमने इतना समझा है कि जब बीजेपी ने अपने ही चेहरे अपने ही सदस्य नहीं पहचाने तो आगे उनसे क्या भविष्य की हम उम्मीद करेंगे। बात यह है, चलिए पटका बदल गया है, दीपेंद्र हुड्डा का है कांग्रेस के, अब ये सारे कार्यकर्ता हो गए, यानी कि विजय जाने के कार्यकर्ता हो गए हैं और इनका ढोल बजाकर जो है स्वागत किया गया। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और आपको दिखाते रहेंगे पल पल की गतिविधियों और राजनीति से जुड़ी से जो भी गतिविधियां हैं। आप वॉइस ऑफ पानीपत के साथ जुड़े रहें, पल पल की अपडेट के साथ हम लोग दोबारा लाए होंगे। नमस्कार।